सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी समाज में भय व्याप्त करने की, भय जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति यह समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं की बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सकें। हर हर महादेव।